रात के 11 बज चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी की आज अधिकृत प्रत्याशियों की सूची आने वाली थी जो अभी देर रात तक नहीं आ पाई है। और अभी भी खबर एक्सपोज के पास लोगों के फ़ोन आ रहे हैं और लोग बार बार जानकारी लेना चाह रहे हैं। वहीं हम भारतीय जनता पार्टी के जो प्रभारी हैं चुनाव संबंधित, उनसे भी हम लगातार बात कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जो अधिकृत सूची है उसके संबंध में कोई वस्तु स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। नया हरसूद छनेरा में कई जगह लोग प्रत्याशियों की अधिकृत सूची का इंतजार करने के लिए जगह जगह बैठे हुए हैं और सूची देखने को उत्साहित हैं। तो आइए हम चलते हैं, तो पूरी खबर देखने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। नगरी निकाय चुनावों को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट का लोग सुबह से इंतजार कर रहे हैं और इस वक्त रात के करीब 11:30 बज चुकी है और हम हरसूद छनेरा में निकले हैं और जगह जगह देख रहे हैं कि लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब भारतीय जनता पार्टी अपनी लिस्ट जारी करती है। साथ में अभी हम इस समय भैरव फिलगुट चौराहे पर मौजूद हैं और हमारे साथ माखन मालवीय जी हैं जो वार्ड 9 से दावेदारी कर रहे हैं। वे यहाँ पर अपने समर्थकों के साथ हमें मिल गए हैं और हम इन्हीं से बात करते हैं। ये अपने लिस्ट भारतीय जनता पार्टी की अधिकृत सूची का इंतजार कर रहे हैं ताकि ये जान सके कि पार्टी इन्हें मौका दे रही है या नहीं। यदि इन्हें मौका मिलता है तो फिर इन्हें तैयारियों में भी जुटना है क्योंकि कल बी फार्म जमा करने की आखिरी तारीख है। हम माखन भैया से बात करेंगे। भैया नमस्कार। भैया नमस्कार भाई जी, आपको बहुत बधाई जी और आपने जो हमको मौका दिया है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप यहाँ पर बैठ के क्या चर्चा कर रहे थे? ये चर्चा ये कर रहे थे कि भाई लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं, 11 बज रही है, काफ़ी लोग अभी तो मेरे साथ बाकी पार्षद लोग भी थे जी और ये सुनने में आ रहा कि भाई 10-11 तक हो जाए क्लियर जी, पर अभी तक क्लियर नहीं होने के कारण हम भी असमंजस में स्थिति में बैठे हैं। तो ताकि कल को अगले दिन से दूसरा काम भी चालू करें, बाढ़ों में अपना जनसंपर्क अभियान चालू करेंगे जी और अभी इंतजार कर ही रहे हैं। बाकी तो अब जो जी जो जिला कमेटी है जब भी वो फाइनल लिस्ट भेजेगी उसके उसमें हम तैयार खड़े हैं जी। हमारे साथ साथ में माखन मालवीय जी के मित्र भी मौजूद हैं, विज्जू महाराज जी, हम उनसे बात करेंगे। महाराज जी आपका स्वागत है, नमस्कार। वसीम भाई आपको नमस्कार जी, धन्यवाद आपको। आप यहाँ पर बैठ के क्या कर रहे हैं, सूचियों का इंतजार कर रहे हैं क्या? भाजपा का समर्थन दूँ, 15 वार्डों में भाजपा का समर्थन करूंगा, भाजपा के लिए काम करूंगा। हम लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं जी। माखन मेरे भाई मेरे परम मित्र हैं जी, हम भाजपा की लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं कि पता लग जाए हमको कि क्या हुआ। जिसका भी समर्थन पार्टी टिकट देगी जी, संगठन जिसको टिकट देगा हम उसका साथ रहेंगे। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं शहर में, नगर में और भी दूसरी जगह देखते हैं लोग कहां पर बैठकर किस तरह से चर्चा कर रहे हैं भाजपा की सूची का। और साथ में शाम के समय एक ये भी अपडेट आया था कि कांग्रेस भी अपनी सूची भाजपा की लिस्ट जारी होने के आसपास ही जारी कर सकती है। तो हम देखते हैं कि रात के इतने समय बाद बावजूद भी लोग लिस्ट का किस तरह से बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हमारे वीडियो में अंत तक बने रहिए। इस समय रात के 12:45 बज रहे हैं और हम इस समय वार्ड 5 में सपना दिनेश यादव जी के घर पर मौजूद हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी से अपना टिकट मांगा है। और आज सुबह से ये खबर चल रही थी कि भाजपा दिन में अपनी सूची जारी कर सकती है, दिन भर लोग इंतजार करते रहे और अभी तक के भी सूची जारी नहीं हुई है। आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में इनके समर्थक घर में मौजूद हैं और एक खुशी का इजहार करने के लिए सभी लोग उत्साहित हैं कि भारतीय जनता पार्टी यदि सपना दिनेश यादव जी को अपना अधिकृत प्रत्याशी घोषित करती है तो सभी लोग जश्न मनाने को भी आतुर हैं और सभी राजनीतिक समीकरणों को लेकर भी चर्चा कर रहे हैं। हम कुछ लोगों से चर्चा भी करते हैं कि क्या वे इस समय तक के क्यों जाग रहे हैं, आइए हम बात करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? दीपक राजोरे है मेरा नाम। राजोरे जी क्या इतने देर तक के आप क्यों जाग रहे हैं? बिल्कुल, हमको ये चुनाव जीतना, अकबाई को चुनाव जिताना है, इसलिए हम पूरी मेहनत कर रहे हैं। अच्छा, इसलिए हम इतना देर तक जाग रहे हैं। अच्छा, तो लिस्ट आने वाली थी उसका इंतजार कर रहे हैं? बिल्कुल इंतजार कर रहे हैं लिस्ट का जी जी जी। हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं जिनसे बात कर लेते हैं, आइए। सर नमस्कार, आपका नमस्ते, स्वागत है। क्या इतनी देर रात तक आप आज सोए क्यों नहीं हैं? हम तो सबसे पहले तो भाजपा की लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं कि लिस्ट आ जाए। अच्छा, और उसके बाद आगे की रणनीति बनाएंगे कि भाई क्या स्थिति क्या बन रही है। हमने सपना दिनेश यादव के हिसाब से टिकट मंगा है, डिमांड भी करी है जी, और मिलना भी चाहिए टिकट जी जी जी। जहाँ हम और भी कुछ लोगों से बात कर लेते हैं। भैया आपका क्या नाम है? मनीष यादव है मेरा। यादव जी इस समय क्या टाइम हो रहा होगा? लगभग 11:30 के लगभग बज रही है। अच्छा, 11:30-12 बज रही है। तो आप अभी तक के मतलब सोए नहीं? आ जाओ। नहीं नहीं, अभी टिकट का इंतजार कर रहे हैं जी।
अगर टिकट मिलेगी जी तो भारी मतों से विजयी बनाएंगे। अच्छा, बीजेपी को जी जी। सपना यादव जी ने जो भाजपा से टिकट मांगा है तो देखना चाह रहे हैं कि उन्हें प्रत्याशी जी जी। हाँ, और भी कुछ लोगों से बात कर लेते हैं। भैया आपका स्वागत है, आप अभी तक जाग रहे हैं? जी, मेरा नाम आकाश यादव है जी। मैं अपनी मम्मी के लिए टिकट की डिमांड की थी जी, और मैं टिकट का इंतजार कर रहा हूँ जी। जैसे ही टिकट का वो आती है, लिस्ट आती है जी, तो हम उसके इंतजार में बैठे हैं। बस टिकट मिलती है तो हम बीजेपी को भारी मतों से विजय बनाएंगे इस वार्ड से। ठीक है, बस ठीक है। और भी कुछ लोगों से बात कर लेते हैं। हमारे साथ श्री रितेश यादव जी भी हैं, खबर एक्सपोज को काफ़ी पसंद करते हैं और कई लोग इनके माध्यम से खबर एक्सपोज से जुड़े। आइए, आपका स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद वसीम भैया जी। मैं ये कहना चाहूँगा कि हमने भाजपा से प्रत्याशी के रूप में सपना चाची के लिए टिकट मांगा है जी। अगर पार्टी हमको टिकट देती है और हमको पूर्णतः विश्वास है कि पार्टी हमारे पर विश्वास करेगी, और अगर भाजपा हमको टिकट देती है तो हम भाजपा को ये विश्वास दिलाते हैं कि पूरे वार्ड क्रमांक 15 से। आप अभी तक क्यों जाग रहे हैं ये बताइए। हम अभी तक ये जाग रहे हैं कि हमें पूरा विश्वास है कि भाजपा हमको टिकट देगी जी। और अगर भाजपा हमको टिकट देती है तो अभी हम क्या समय हो रहा है और आप अभी लगभग रात्रि के 12 बज चुके हैं जी। और अभी हम सब पूरे ग्रुप के साथ यहाँ पर इकट्ठित हैं और हम ये चाहे टिकट का इंतजार कर रहे हैं, और हमको पूर्ण विश्वास भी है कि भाजपा हम पर विश्वास करके टिकट देगी। और हम भी भाजपा को ये उम्मीद दिलाते हैं कि अगर भाजपा हम पर टिकट देती है तो हरसूद के पूरे वार्ड क्रमांक 15 से सबसे भारी बहुमत से अगर भाजपा कैसे जीत दर्ज करेगी तो वो है वार्ड क्रमांक 5, जहां से सपना चाची को हम पूर्ण बहुमत से प्रचंड जीत के साथ एक लक्ष्य और ऐतिहासिक जीत दर्ज कराएंगे। ठीक है, हमारे साथ और भी कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे चर्चा कर लेते हैं। भैया आप भी नहीं सोए आज? प्रसन्न टाले नाम है मेरा जी। टाले जी क्या कहेंगे? अपने संध्या भाभी को टिकट दिलाना है जी बीजेपी से, इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल, टिका क्या समय हो रहा होगा अभी? 11:30-12 के लगभग। 12 के लगभग। और भी कुछ लोग हैं जिनसे हम बात कर लेते हैं। भैया नमस्कार, क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार, मेरा नाम राजेंद्र धमाड़े है। यहाँ पर चाची के सपोर्ट में आए टिकट के लिए, सभी इंतजार कर रहे हैं जी। अगर चाची को टिकट मिलती है जी तो हम गारंटी देते हैं कि जीत पक्की है, और नहीं भी देते फिर भी पक्की। नहीं, जैसे अभी लिस्ट आ जाती है और लिस्ट में चाची का नाम आ जाता है जी, तो क्या आप खुशी का इजहार करने के लिए बाहर जश्न भी मनाएंगे? नहीं, जश्न तो नहीं मनाएंगे क्योंकि टाइम ज्यादा होगा, इससे लोगों को डिस्टर्ब होगा, लेकिन उत्साह, मगर उत्साह जरूर है कि भैया लिस्ट में नाम आ जाए। साथ में और भी कुछ लोग हैं जिनसे चर्चा कर लेते हैं। भैया आपका क्या नाम है? शिवा यदुवंशी नाम मेरा। यदुवंशी जी क्या कहेंगे, इतनी देर रात तक आप जाग रहे हैं? बस टिकट का इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, सपना चाची को जी टिकट कन्फर्म हो जाए। ठीक है, गाने ठीक है। तो हम आपसे कहना चाहते हैं कि काफ़ी संख्या में हमारी लोगों से बात हो चुकी है और अधिकांश लोगों का ये कहना है कि वे अभी तक के भारतीय जनता पार्टी की अधिकृत सूची का इंतजार कर रहे हैं। और इस समय हम वार्ड 6 में मौजूद हैं और 12:19 हो चुके हैं, और इधर भी कुछ लोग इंतजार कर रहे हैं। जो दिन में खबर आई थी कि भारतीय जनता पार्टी अपने अधिकृत प्रत्याशियों की सूची जारी करेगी, तो इधर के लोगों में भी काफ़ी उत्सुकता रही है दिन भर, और कई लोग अभी रात के 12:19 पर भी लिस्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, और सभी लोगों को इस बात को लेकर उत्सुकता देखी जा रही है कि क्षेत्र से भाजपा का प्रत्याशी कौन होगा। तो हम कुछ लोगों से चर्चा करते हैं जो हमें इस समय यहाँ पर जागते हुए जिनसे मुलाकात हो गई है, हम बात करते हैं। आपका स्वागत है, क्या नाम है आपका? शेख ताहिर जी। क्या कहना चाहेंगे अभी तक, मतलब आपको क्या चीज़ की उत्सुकता है जो आप अभी तक सोए नहीं? ये है कि वही कल फॉर्म उठाने की लास्ट तारीख है जी, तो लिस्ट जारी होना था, और अभी तक लिस्ट देख रहे हैं कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की 15 वार्डों की लिस्ट जारी हो, मालूम पड़ेगी कौन कौन कैंडिडेट कहाँ से चुनाव लड़ रहा है जी, क्योंकि इस बार भाजपा से ही ज़्यादा घमासान है जी टिकट मांगने वालों का जी। हमारे साथ कुछ और भी लोग मौजूद हैं जिनसे बात करेंगे। आपका क्या नाम है? बट यही देख रहा है टिकट के किसको जी मिल रहा है, मिल रहा है जी। दिन भर से जो लिस्ट दिन भर से रास्ता देख रहा है, हाँ अभी भी उसी का इंतजार है, बट अभी तक बैठे इसलिए जी। करीब 12:20 होगा जी जी। हमारे साथ और भी कुछ लोग मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम तकरीम अहमद जी। क्या कहना चाहेंगे? लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं जी। कांग्रेस से कब आएगी, बीजेपी से कब आएगी? अच्छा, लिस्ट के इंतजार में ही अभी तक जाग रहे हैं जी जी। तो ये थे हमारे साथ वार्ड 6 के कुछ मतदाता जिन्हें अपने क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशियों की सूची का इंतजार है, और इन्होंने कहा कि वे अभी तक उस सूची का इंतजार कर रहे हैं, जाग रहे हैं। हमारी इस पेशकश में इतना ही।